हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं विंडोज़ 8.1 64-बिट सिंगल लैंग्वेज किस तरह से आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो टाइम लेने वाला है, कम से कम 1 घंटे का ये वीडियो बनेगा, तो आप लोग पेशेंस रख के देखिए। इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉलेशन हम लोग देखेंगे, प्लस उसके बाद इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर्स क्या क्या इंस्टॉल करना होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेन ड्राइव को किसी भी वर्किंग यूएसबी स्लॉट में कनेक्ट कर लेना है और अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को रीस्टार्ट करना है। पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप का अलग अलग बायोस की होता है तो उस हिसाब से आपको जाना होगा। मेरे पास एचपी पवेलियन का लैपटॉप है तो उसमें जो भी बायोस का की है वो F9 है। पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है यूएसबी स्लॉट में और लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, F9 कंटिन्यू प्रेस करना है जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पे हमें सेलेक्शन लेना है यूएसबी हार्ड ड्राइव, स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क एक कंपनी का नाम है जिसका पेन ड्राइव मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। एरो की से सेलेक्ट करना है और उसको एंटर करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप्स को बताता हूँ क्या करना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन आ चुका है। जो हमें नेक्स्ट करना है, सिंपल जो है वही रखना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और एप्लीकेशन दिखेगा, ये है यूज़र का लाइसेंस एग्रीमेंट है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, लाइसेंस टर्म्स पे, और नेक्स्ट कर देना है। विंडोज़ 8.1 सिंगल लैंग्वेज का ये लाइसेंस एग्रीमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट करने को बोलता है। यहाँ पे हमें कस्टम सेलेक्शन लेना है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर सिंगल ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आपको क्लीन फॉर्मेट करना है तो टोटल ड्राइव को पहले डिलीट करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना डेटा बैकअप कर लें। अगर आपने एक बार फॉर्मेटिंग स्टार्ट किया तो डेटा आपको मिलेगा नहीं, लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो ये केयरफुली आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको अपना डेटा बैकअप करना है, कॉपी पेस्ट करना ही बैकअप कहलाता है। तो इस वीडियो में हमें क्लीन फॉर्मेट करने वाला हूँ तो मुझे कोई भी डेटा नहीं लेना है और मेरे इसमें डेटा भी नहीं है। तो मैं एक एक करके हर एक ड्राइव पार्टीशन को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद नया स्टार्ट करूँगा पार्टीशन बनाना। तो सबसे पहले मैं एक एक सिंगल सिंगल पार्टीशन को डिलीट कर रहा हूँ। गाइज, इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में किस तरह से आपको वहाँ पे यूएसबी पेन ड्राइव बनाना है, तो वो मैंने आपको बना के दिखाया है, अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके देखिए। बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से बनाना है वो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अब हमें इसको क्या करना है, न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। ये 500 GB का हार्ड डिस्क है तो मिनिमम 200 रख सकते हो। 200 नॉर्मल वर्क यूज़र के लिए बहुत होता है, क्योंकि अगर आप ग्राफिक और प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं जिसमें हायर रहता है, डाउनलोडिंग रहता है, तो आप कम से कम सी को 300 रख सकते हो, बाकी 200 रखो, या फिर 200 सी को रखो बाकी 300 रखो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मिनिमम सी ड्राइव में हम लोग प्रोग्राम्स ही रखते हैं, डेटा तो रखते नहीं हैं। इसके लिए 200 GB इनफ हो जाता है सी ड्राइव के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन कर रखा है, पहला जो है ये है 214 यानी कि 215 GB का है, और बाकी जो डी है वो टोटल ले लेता हूँ मैं। सिंपल यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के लिए। और सी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम डी को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा विंडोज़ डी में इंस्टॉल हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो पार्टीशन के अंदर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अदरवाइज़ आपका पार्टीशन कोई भी सेलेक्ट होगा तो किसी भी पार्टीशन के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले फॉर्मेट करने के लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बना के वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अगर आपको विंडोज़
8.1 का ISO चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके ले सकते हैं, या आपको डाउनलोडिंग लिंक चाहिए तो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोडिंग लिंक पे जाके क्लिक करके विंडोज़ 8.1 का 64-bit सिंगल लैंग्वेज का लिंक डाउनलोड करके ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर आगे के स्टेप्स को आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका है, 93% हो चुका है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और भी कुछ इसमें नहीं करना है, काफ़ी इजी है, हर कोई सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो, प्रैक्टिस करना चाहे तो। गाइज मैंने अपने चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं सब आईटी या कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप प्लीज़ विज़िट करिए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, देखिए आपसे रिलेट जो भी टॉपिक है आप उसको देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक पे मुझे वीडियोस अपलोड करनी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सेम टॉपिक पे भी ट्राई करूँगा वीडियोस अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मैं भी एक आईटी फील्ड में हूँ तो मुझे जो भी वक्त मिलता है मैं उसमें से आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियोस आने के लिए, लेकिन डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही है मैं खुद ही एक आईटी फील्ड में हूँ तो थोड़ा सा टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, तो आई होप आप समझ सकते हो। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, जितने भी यहाँ पे सब में ग्रीन टिक मार्क आ चुका है फाइनलाइजिंग। अब मैं ये अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली रीस्टार्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिक अगर नहीं करोगे तो भी ये 10 सेकेंड के अंदर में रीस्टार्ट हो जाएगा आपका सिस्टम, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। तो ये जस्ट रीस्टार्ट हो गया है, रीस्टार्ट होने के बाद जब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आएगा मैं आपको बताता हूँ क्या करने हैं। यहाँ पे ये एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, गेटिंग डिवाइस रेडी, ये 100% तक कंप्लीट करेगा। विंडोज़ इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है अगर आपके पास सब सिस्टम मौजूद हैं तो, बहुत ही इजी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये नॉर्मल हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर मैं SSD में इंस्टॉल करूँगा तो कम से कम वो 15 से 20 मिनट के अंदर में विंडोज़ इंस्टॉल होकर कम्प्लीट हो जाएगा, और 10 मिनट में पूरा का पूरा आपका लैपटॉप यानी कि आधे घंटे के अंदर में पूरा आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा वर्किंग कंडीशन में, MS ऑफिस वगैरह सब इंस्टॉल करके। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, गेटिंग रेडी करके दिखा रहा है, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना है। लैपटॉप फिर से एक बार रीस्टार्ट किया है, ये ऑटोमेटिक कम से कम 3 बार रीस्टार्ट होता है जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेन ड्राइव लगाने के बाद वो खुद आपको रीस्टार्ट करना होता है बायोस में जाने के बाद, उसके बाद जब आपका सिस्टम कंप्लीट होने को रहता है तो बीच में 2 बार रीस्टार्ट लेता है, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद ब खुद स्टार्ट भी हो जाता है आगे के प्रोसेस के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद ये आपको अभी कुछ अलग ही लग रहा है लेकिन आगे आपको काफ़ी बेहतरीन दिखने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं विंडोज़ 8.1 64-bit सिंगल लाइसेंस सिंगल लैंग्वेज किस तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको PC का नाम पूछ रहा है, आपको जो भी रखना है रख सकते हैं, आपके होम यूज़र हैं या ऑफिशियल यूज़र हैं या पर्सनल यूज़र हैं, तो कुछ भी आप अपना सिस्टम का नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर विभादीप नाम रख रहा हूँ और इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आपको वाईफाई से इसको कनेक्ट नहीं करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है, इसको स्किप दिस नेटवर्क करना है, क्योंकि अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया तो फिर वो ऑनलाइन चले जाएगा, फिर आपको अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो वो आप मत करिएगा।
और यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज कस्टमाइज एक सेटिंग है, एक एक आपको एक्सप्रेस सेटिंग है, एक आपको कस्टमाइज सेटिंग आ रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लेना है, कस्टमाइज वाला लेना है, और सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है, ये भी नेक्स्ट करना है, ये भी नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना है। आप यूज़र नेम टाइप कर लीजिए, पासवर्ड नहीं टाइप करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको पासवर्ड ध्यान है तो फिर अच्छी बात है, पासवर्ड टाइप कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है हम पासवर्ड टाइप कर देते हो, फिर बाद में ऐसे पता चलता है कि कोई की मिसिंग रह गई या फिर हमें कोई पॉइंट ध्यान नहीं आता है। तो पासवर्ड नहीं टाइप करोगे, बाद में करोगे तो भी चलेगा, विंडोज़ इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट होने के बाद। यह आपका फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो भी हमने इंस्टॉल किया अब तक, स्टार्ट से लेके अब तक, हमारा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। आगे ये थोड़ा सा और टाइम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन के लिए, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, आगे फिर हम आगे के स्टेप्स को देखेंगे। सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हुआ है और ये अभी फाइनल राउंड है। वी आर सेटिंग थिंग्स अप फॉर यू। ये ऑटोमेटिक सेटअप कंप्लीट करेगा। अब इसमें आपके पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, वो अब डायरेक्टली जो भी पेन ड्राइव से बूट हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, 100% कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट लिया है, वो आगे का प्रोसेस खुद वो आगे कंप्लीट ऑटोमेटिक करेगा। उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपका थोड़ी देर में नॉर्मल स्क्रीन आ जाएगा विंडोज़ का, फिर आगे उसमें बेसिक कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चाहे वो घर का यूज़र हो या नॉर्मल ऑफिस यूज़र हो, अगर आपको लाइसेंस नहीं ख़रीदना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो आप उसमें ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस आता है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, हमें सर्फिंग के लिए गूगल क्रोम या मोजिला इंस्टॉल करना होता है, विनरार इंस्टॉल करना होता है, जावा, PDF ओपन करने के लिए एडोब रीडर इंस्टॉल करना होता है, यही, और एनी डेस्क अगर हम किसी कंप्यूटर को एक्सेस दे रहे हैं तो एनी डेस्क इंस्टॉल करना होता है। ये देख सकते हैं आप, हमारा नॉर्मल विंडोज़ स्क्रीन आ चुका है, विंडोज़ 8.1 64-bit सिंगल लैंग्वेज का। अभी यहाँ पे विंडोज़ 8.1 राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको सिंगल लैंग्वेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करके दिस PC के अंदर जाएंगे, उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके पूरे के पूरे आपको प्रोसेस को मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल है। दिस PC पर राइट क्लिक करना है, उसको प्रॉपर्टीज़ करना है। प्रॉपर्टीज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ 8.1 सिंगल लैंग्वेज है, 4GB रैम है, i3 का CPU है। यहाँ पे लिख के दिख रहा है विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। अभी ये थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइसेंस विंडोज़ है। ये हमारा पेन ड्राइव दिख रहा है, हमने दो पार्टीशन बनाए थे, इसमें फ़िलहाल अभी एक ही पार्टीशन दिख रहा है, दूसरा पार्टीशन नहीं दिख रहा है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, सिंपल है, दिस PC पे राइट क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट में जाना है। दूसरा अकाउंट अगर आपको नहीं दिखता है, दूसरा पार्टीशन नहीं दिखता है, तो वो सिचुएशन में हमें ये चीज़ फॉलो करनी होती है। दिस PC के अंदर जाना है, मैनेज में जाना है, यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। कभी ये होता है हमने वो सेम ड्राइव को फॉर्मेट नहीं किया है, इसके लिए नहीं दिखता है, या उसका जो पाथ है, नाम है, वो सेम होता है तो भी नहीं दिखता, तो चेंज करना होता है, या अगर हमने फॉर्मेट नहीं किया तो फॉर्मेट करना होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा D वाला ड्राइव है जो हमें फॉर्मेट करना है, और इसको मैं फॉर्मेट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके उस पर फॉर्मेट कर लेते हैं, ओके कर देंगे इसे। ये हमारा फॉर्मेट हो गया है, न्यू वॉल्यूम आ चुका है, और अभी भी देख सकते हैं आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्राइव दिख रहा है, जो कि C ड्राइव दिख रहा है, D ड्राइव हमारा नहीं दिख रहा है। फिर से हमें दिस PC पे राइट क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट में जाना है, मैनेज अकाउंट में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, वहाँ पे हमने जो सेम पार्टीशन को फॉर्मेट किया है
उसका पाथ चेंज करना है, क्योंकि मुझे डाउट है कि शायद वो पाथ चेंज नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमें ये वाला स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहो, आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ पे जाके चेंज करना है पाथ को। दिस पीसी राइट क्लिक मैनेज, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, बड़ा कर लिया इसको, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब सेम हमारा जो न्यू वॉल्यूम लिखा हुआ है वहाँ पे राइट क्लिक करना है और चेंज ड्राइव लेटर पाथ लिखा है, ऐड में जाना है। यहाँ पे एफ ड्राइव दिखा रहा है, डी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है कहीं पे, इसके लिए वो डी नहीं दे रहा है, आपको एफ ड्राइव को ओके करना है। अब यहाँ पे आपको न्यू वॉल्यूम एफ ड्राइव दिखने लगा है, आप दिस पीसी पे जाएंगे, फिर से आपको देख सकते हैं यहाँ पे सी और एफ दोनों दिख रहा है, यानी कि वो डी ड्राइव। ठीक है, तो इस तरह से कभी अगर नहीं दिखा है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप सेम स्टेप फॉलो करके अंदर जा सकते हैं। तो अभी हम इसमें देखने वाले हैं क्या क्या बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स हमारे होते हैं उसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई नया लैपटॉप या नया डेस्कटॉप या पुराना है आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर कोई सेटअप कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी एंटीवायरस ज़रूर कंपलसरी कर लें, क्योंकि एंटीवायरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से दिस पीसी राइट क्लिक करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड दिखा रहा है, इसके पहले थोड़ी देर में देखे थे हमने विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड था, अब यहाँ पे एक्टिवेटेड है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा जो लैपटॉप है वो विंडोज़ 8.1 का लाइसेंस लैपटॉप है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जो भी विंडोज़ 8.1 या फिर अभी के जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उन लोगों का विंडोज़ का की वो बैक साइड पे लिख के नहीं दे रहा है, वो बायस पे उसको लिख के आता है, उसके लिए कमांड रन करना होता है की को फाइंड करने के लिए। मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने किस तरह से विंडोज़ 8.1 का की फाइंड आउट करना है, कौन से कमांड है, वो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। हमें क्या करना है बेसिक सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले गूगल क्रोम को वो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है विंडोज़ के अंदर, वहाँ पे हमें गूगल क्रोम डाउनलोड करना है, उसके बाद हम आगे के सॉफ्टवेयर्स वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट के थ्रू अब कनेक्ट कर सकते हैं, याद रहे आपका लैपटॉप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अगर ये बैकग्राउंड में कोई भी अपडेट लेगा, जैसे कि डिस्प्ले का अपडेट लेगा या कोई और ग्राफिक ड्राइवर वो पिकअप करेगा अपडेट लेगा ऑटोमेटिक, तो आपका लैपटॉप एक बार बीच में या दो बार वो थोड़ा सा डिस्प्ले उसका ब्लैक होगा, ब्लैक आउट होगा, उससे आप डरिएगा मत, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में अपडेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, और दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं, तो हम ट्राई कर लेते हैं। एडोब एडिटर ले लेते हैं, बेसिक हमारा पीडीएफ व्यू करने के काम में आता है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी वो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ओपन हो जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ 8.1 में नहीं है, वो आपको 10 में मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ओपन करना ही होगा कोई एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सको। ठीक है, ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, देख सकते हैं एंड ऑफ सपोर्ट लिख के आया, कोई बात नहीं, इसको हम क्लोज़ कर देंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, गूगल क्रोम हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, गूगल क्रोम को हम रन करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, इसको यस करना है, डबल क्लिक करके गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल क्रोम के थ्रू हम लोग उसमें डाउनलोड करेंगे एडोब रीडर डाउनलोड करेंगे, जावा डाउनलोड करेंगे और विनरार डाउनलोड करेंगे, उसके साथ ही साथ एक इसमें क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का 30 डेज ट्रायल एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारा 30 डेज़ के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा, फिर आप बाद में उसको परचेस कर सकते हो जब आपको चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या स्टेप्स और कर सकते हैं। ये हमारा गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है, सिंपल इसको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है,
गूगल क्रोम को हम बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी लिंक अगर आएगी तो हमें डिफ़ॉल्ट करने के लिए अंदर फिर सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो अगर हम जूम ओपन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन कर रहे हैं, गूगल मतलब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के थ्रू वो डायरेक्टली गूगल क्रोम को ही चूज़ करेगा जब आप डिफ़ॉल्ट करके रखेंगे तो, अदरवाइज़ नहीं तो वो किसी और भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएगा, फिर वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगा। उसके लिए पहले ही आप उसको डिफ़ॉल्ट करके रखिए। इसको नेक्स्ट करना है, सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसको गूगल क्रोम पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं या नो थैंक्स कर सकते हो, उसमें से कोई भी चलेगा। अब यहाँ पे हम जो हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एडोब रीडर डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे पीडीएफ को पढ़ने के लिए काम में आता है। याद रहे ये जो तीनों टिक मार्क है इसको अनचेक कर देना है बॉक्स को, क्योंकि हमें ये एक्सटेंशंस नहीं चाहिए। अगर एक्सटेंशन लेते हैं तो आपको एक के साथ दो और फ्री मिल जाएगा, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। हमारा सेटअप डाउनलोड हो चुका है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। डबल क्लिक करके रन करना है, सिंपल, और कुछ करना नहीं है उसमें। और दूसरे में सॉफ्टवेयर तब तक रन कर लेते हैं। विनरार डाउनलोड कर लेता हूँ 64 बिट का। किसी भी फाइल को, पीडीएफ को जिप और अनजिप करने के लिए ये काम में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल है। एडोब को डबल क्लिक करके रन कर लेते हैं। ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको विनरार को भी डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके करना है इसको और डन कर देना है। ये पूछ रहा 32 और 64 बिट का, ओके करके उसको क्लोज कर देना है। ये हमारा अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है एडोब इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप कोई और एप्लीकेशन रन करते हो तो वो टाइम पे ये थोड़ा सा हैंग जैसा हो जाता है, तो आप केयरफुली ध्यान रखिए। सिंगल सिंगल सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करिए, एक साथ में डबल सॉफ्टवेयर मत इंस्टॉल करिए। क्यों, क्या होता है अगर आपके पास नॉर्मल हार्ड डिस्क है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, तो बेटर है कि आप सिंगल सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। जब तक एडोब इंस्टॉल हो रहा है तो मैं बैकग्राउंड में इसको एनीडेस्क इंस्टॉल कर लेता हूँ। एनीडेस्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप के अगर सिस्टम में कभी प्रॉब्लम है तो आईटी सपोर्ट ले सकते हैं। ये आपके पास अगर कोई आईटी का बंदा है तो वहाँ से वो एनीडेस्क के थ्रू आपके सिस्टम का एक्सेस रिमोट लेके आपका जो भी बेसिक हार्ड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है वो आपको सॉल्व करके दे देगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है एनीडेस्क का। आपको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर पे या आपके डेस्क पे रहना है, बाकी सपोर्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपके गवर्नमेंट साइट को ओपन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जावा, तो ये भी इंस्टॉल कर लेना है। आप बेसिक अगर होम यूज़र हैं नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऑफिशियल यूज़र हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्टॉल करना। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ जावा। ऑलरेडी ये बता रहा है कि आउट ऑफ अपडेट हो चुका है लाइसेंस, ओरेकल जावा लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ करना है। यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट रिलीज़ रहेगा वो आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। फिर आपको सिंपल वही करना है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है और कुछ करना नहीं है। जावा को भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ डबल टैप करके, उसको यस करना है। ये भी बैकग्राउंड में चलते रहेगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, लेकिन अभी भी हमारा एडोब का प्रोसेस 90 पे ही आके अटका हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, टाइम लेता है। तो इसके लिए इसको पहले सिंगल इंस्टॉल करके ले लो या फिर इसको बाद में इंस्टॉल करो तो भी चलेगा। फाइनली एडोब इंस्टॉल हो चुका है, एडोब एक्रोबैट रीडर DC, ठीक है। उसको अनचेक करना है, फिनिश कर देना है। ये आपको एक ब्राउज़र का पेज ओपन करेगा एडोब
से रिलेटेड। इसको क्लोज कर देना है ब्राउज़र के पेज को, और ये हमारा फाइनली एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। ये इसमें हम पीडीएफ को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और हम जावा भी इंस्टॉल कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हमारा जावा भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर में ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इसको यहाँ पर रिमूव पे क्लिक नहीं करना है, आपको इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफिस है जो आपको फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, सेम लिंक पे जाना है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करोगे डायरेक्टली ब्राउज़र ओपन होगा। और मैंने ऑलरेडी इस लिब्रे ऑफिस के ऊपर एक टॉपिक बना रखी है अपने प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर से ही देखना है तो मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वहाँ से इजीली देख के डाउनलोड कर सकते हो। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट को कुछ भी नहीं पे करना है और टेंशन नहीं है। एक्सेल यूज़ कर सकते हो, वर्ड यूज़ कर सकते हो, और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हो। आउटलुक इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक ऑफिस है, इसमें आपको उतने सारे मतलब फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको इसमें लिमिटेड रिसोर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनी डेस्क भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एनी डेस्क पे डबल क्लिक करना है, यस करना है। इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा एक्टिव इंस्टॉल करने के लिए। एक्सेप्ट करना है आपको यहाँ पे, एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इसे यस कर देना है। लिब्रे ऑफिस डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना है। इसको इंस्टॉल नहीं करना है, डोंट इंस्टॉल कर दो, क्योंकि एनी डेस्क का प्रिंटर का क्या काम है। तो वो उसको डोंट अलाउ कर दो, डोंट इंस्टॉल कर दो। लिब्रे थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये कुछ MB 350-400 MB का सॉफ्टवेयर होता है। तो तब तक के लिए हम अपना बेसिक आगे का मतलब सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा इसमें देखो PDF इंस्टॉल हो गया है, और क्रोम इंस्टॉल हो चुका है, एनी डेस्क इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, लिब्रे ऑफिस का डाउनलोडिंग चल रहा है, ठीक है। हम इसमें एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर लेंगे, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का, वो 1 महीने का हमें फ्री देता है यूज़ करने के लिए। हमारा लिब्रे ऑफिस भी फाइनली डाउनलोड हो चुका है, अब इसको हमें इंस्टॉल करना है। डबल टैप करना है, उसको यस करना है, और इसको नेक्स्ट कर देना है। ये टिपिकल ऑप्शन ही रखना है, कस्टमाइज नहीं रखना है। टिपिकल में ऑलरेडी सब सिलेक्टेड होता है, कस्टमाइज में आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट लेना है, क्रिएट करके रखना है डेस्कटॉप पे। तो ये जब तक के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए हमें इसको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इसको यस करना है यहाँ पे।
हमारा फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको हम फिनिश करेंगे। एनी डेस्क भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है ऊपर, वो हमारा आईडी था, और सामने वाले से पासवर्ड मिलता है जिसका हम पीसी का एक्सेस लेने वाले रहते हैं। ठीक है, फिर से हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम एंटीवायरस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है क्विक हील, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे आपको भी टाइप करना है, या मैं इसका डाउनलोडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप सिंगल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो ट्रायल वर्जन या लाइसेंस वर्जन। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको 1 मंथ के लिए लाइसेंस मिलता है, आप यूज़ कर सकते हो, फुल उसका फीचर्स यूज़ कर सकते हो। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे, फ्री ट्रायल लिखा हुआ है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, और भी ऑप्शंस हैं क्विक हील प्रो के, तो हमें टोटल सिक्योरिटी लेना है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इसका एक छोटा सा सेटअप डाउनलोड होगा, उसको डबल टैप करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, फुल इंस्टॉलेशन कम्प्लीट करने के लिए। और इसको रजिस्टर करना होता है, अगर आपको जेन्युइन ईमेल आईडी डालना है तो अच्छी बात है, डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल ईमेल आईडी डालोगे तो भी चलेगा, जिस तरह से मैं इसमें अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसको चेकमार्क करके नेक्स्ट कर देना है, और ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस ऑटोमेटिक कंप्लीट करेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम को इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सिस्टम का अपडेट लेगा, आपका एंटीवायरस अपडेट करेगा, अपडेटेड सिस्टम होना चाहिए, गूगल क्रोम भी अपडेटेड होना चाहिए, एडोब भी अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है इसे। फाइनली जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे क्विक हील के सब जो भी इसके बेसिक ऐप्स होते हैं वो सब इंस्टॉल हो गए हैं, और डेस्कटॉप पे भी इसके आइकन्स आ चुके हैं। तो जस्ट एक बार ये 100% कंप्लीट हो जाए, इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ईजी है, विंडोज़ इंस्टॉल करना, पेन ड्राइव बूटेबल बनाना, डाउनलोड करना, बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, बस एक बार अगर आपने इस वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड देख लिया, समझ लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे आपको नाम डालना है, जिस तरह से आप जानते हैं मैं मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम डाल रहा हूँ, मेरे YouTube चैनल का नाम है ग्रो योर नॉलेज, तो मैं यहाँ पे अपने YouTube चैनल का नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, ईमेल आईडी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जेन्युइन ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपको लिंक चाहिए उस पर, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होने चाहिए जो हमें क्विक हील की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ भी डाल दो, अगर आपको जेन्युइन रखना है तो आप जेन्युइन रख सकते हो, अदरवाइज आप कुछ भी डालोगे तो भी चलेगा।
यहाँ पे कंट्री ले लीजिए, यहाँ पे स्टेट ले लीजिए, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या कहाँ पे आप अभी हैं जहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, सिटी ले लीजिए, कौन सी सिटी से आप हैं। अगर ये जो आई एम लॉगिंग, ये जो चेकमार्क है, अगर ये ब्लैंक है, अगर आप इसको चेकमार्क करते हो तो ये डीलर कोड पूछेगा, कौन से डीलर से आपने परचेस किया है। जिस तरह से अभी यहाँ पे देखेंगे, हमें एक कोड पूछेगा, क्योंकि हमने डीलर से ख़रीदा नहीं है तो हमें कोड मालूम नहीं है, तो उसको अनचेक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यह पर हमारा रजिस्टर हो चुका है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा डिटेल है, नाम है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, स्टेट और कंट्री, टोटल यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो इसको हम रजिस्टर कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। इसको फिर से मैं आपको दिखाऊंगा डबल टैप करके कि क्या इसके, ये डायरेक्टली ब्राउज़र पे जाएगा, तो हमें ब्राउज़र पे अभी दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा डाउनलोडिंग प्रोसेस तो हो चुका है और रजिस्टर भी हो चुका है। मैं यहाँ पे नीचे अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका जो 30 डेज ट्रायल है वो कहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कितने डेट बैलेंस है इसमें। यह आपका एंटीवायरस के एंटी ट्रैकर है। ठीक है, क्विक हिल पे डबल टैप करना है, आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, इसमें बहुत सारे स्कैन के ऑप्शंस हैं। मोर में जाने के बाद सपोर्ट अबाउट में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे मैं अभी गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डेज लेफ्ट है, क्योंकि अभी मैंने इंस्टॉल किया है। इसके लिए वो अपडेट कर सकते हो, यहीं से आप रजिस्टर न्यू लाइसेंस कर सकते हो, परचेस कर सकते हो आपके डेबिट कार्ड से। और यहाँ पे स्कैन में जाएंगे, आपको बहुत सारे स्कैनिंग ऑप्शंस मिलेंगे, बूट टाइम क्विक स्कैन होता है, मोबाइल स्कैन होता है, कस्टमाइज स्कैन होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप कुछ भी स्कैन कर सकते हो। मोस्टली बूट टाइम और फुल टाइम स्कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूट टाइम स्कैन में आप काम नहीं कर पाओगे, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, वो कंटिन्यू पूरा कमांड्स में चलेगा, लेकिन अगर आपने फुल टाइम स्कैन किया है तो आप मिनिमाइज़ करके काम कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लिब्रे ऑफिस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि जस्ट मैं भी इसको डबल टैप करके क्लिक किया हूँ, इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि आपका इसमें आउटलुक नहीं रहेगा और वन नोट नहीं रहेगा, जो एडवांस एमएस ऑफिस अभी इस वक्त आ रहे हैं उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन आपका जो एडवांस एमएस ऑफिस है उसे आपको लाइसेंस परचेस करना होता है या क्रैक यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने लिब्रे ऑफिस यूज़ किया है, आप ऑफिस में हैं या घर पे हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वाले परेशान नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो फ्री है, फ्री वर्जन कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने एडवांस एमएस ऑफिस क्रैक वर्जन यूज़ किया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी हम कोई जेन्युइन काम कर रहे हैं तो उसमें हम जेन्युइन ही रहें, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए फिर हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो जेन्युइन यूज़ करें, नहीं तो आपका हैकिंग का बहुत सारे इश्यूज़ होगा, वायरस का प्रॉब्लम होगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, जेन्युइन यूज़ करना है, अदरवाइज़ जो माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री रखा है वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी हमारा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये लिब्रे ऑफिस ओपन हो चुका है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है राइटर डॉक्यूमेंट्स है, कैल स्प्रेडशीट है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन है, ड्रॉ है, मैथ है, ठीक है, बेसिक है। तो यहाँ पे जाके आपको राइटर यानी कि वर्ड हो गया, कैल मतलब हो गया आपका ये एक्सेल हो गया, इम्प्रेस यानी कि आपका ये हो गया प्रेजेंटेशन हो गया, मैथ्स तो आपके मैथ्स उसमें रहेंगे। तो इसको आपको स्टार्टअप में बार बार नहीं दिखे, इसको अनचेक करके ओके कर देना है, इसको क्लोज़ कर देना। ये आपका वर्ड रेडी हो गया, आप इसमें टाइप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। फिर से डबल टैप करना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैल यानी कि स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो भी बेसिक्स होते हैं। वर्किंग कंडीशन में आप इसमें इजीली काम कर सकते हो, आपके डेटा मैनेज कर सकते हो। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन यानी कि जो हमारा पीपीटी का काम करता है, प्रेजेंटेशन का, वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे ऑलरेडी पहले से कुछ स्लाइड्स दे रखे हैं। सो गाइज, ये हमारा टॉपिक था आज का, विंडोज़ 8.1 64-bit सिंगल लैंग्वेज इंस्टॉल करना, प्लस इंस्टॉल करने के बूटेबल पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना, फ्रेश
इंस्टॉलेशन था। फिर उसके बाद उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर्स, लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, क्विक हिल 1 मंथ के लिए डाउनलोड करना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें, और भी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।